चैनल विंग्स ए कुरान, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारियाँ? सो एज़ यू नो, हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, महीने से ज़्यादा हो गए हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके लिए. रोज़ हम आपके लिए वे मेकिंग श्योर 10 to 12 क्वेश्चंस आपके लिए हो, और जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो 12 से 15 मिनट तक ही है. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ऑल्सो हम आपके लाइव कॉमेंट्स भी पढ़ रहे हैं गाइज. प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी एग्ज़ाम होगा यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन. आप हमारा चैनल देख सकते हैं यूट्यूब पे, विंग्स ए कुरान, सब्सक्राइब टू इट. द रीज़न आई एम सेइंग इज़ क्योंकि जब भी कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है, नोटिफिकेशन हो गई या कुछ रिलेटेड टू एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ आपके केसेस, आपको पता है कोर्ट केसेस इतने पेंडिंग हैं इनके रिलेटेड, ये देखिए वी आर मेकिंग श्योर हम उसको अपडेट करते रहे. एंड हम जैसे ही कुछ ऑर्डर आता है वी मेक श्योर उसको इमीडिएटली अपडेट करते रहे, बिकॉज आई नो काफ़ी बच्चों के ये स्टेटमेंट्स, डाउट्स रहते रहते हैं. हमारा जो केएस ओरिएंटेड भी चैनल है, जैसे ही कल केएस का रिजल्ट आया उसी टाइम पे हमने लिस्ट शेयर की, वी शेयर्ड मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दैट. सो डोंट वरी अबाउट इट, जब भी कुछ लेटेस्ट हुआ वी विल कीप अपडेटिंग यू. कमिंग टू द प्लेलिस्ट पार्ट, आप इस पर क्लिक करिए. यहाँ पर हमारे जो लेक्चर्स हैं जिनको हम रोज़ डील कर रहे हैं, यू कैन सी आज 39 आ चुके हैं, 40, 41, 42 ऐसे ही रोज़ चलते रहेंगे. वी वॉन्ट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो. लाइक आई सेड, 12 से 15 मिनट तक आपकी ये वीडियो रहेगी, एक अच्छा टाइम पास. लाइक आई से, एक व्हेन आई से टाइम पास आई मीन इन अ गुड वे, कि आप अपने लेजर टाइम पे बैठ के इसको पढ़े और सुने. दैट मीन्स वो जो ऑडियो विजुअल मीडियम है दैट हेल्प्स अस अ लॉट. इसको हमने बाइफोकेट अच्छे से किया हुआ, दैट मीन्स अलग अलग डिवीजन दी हुई है. जैसे कंप्यूटर का आपको अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा, जीएस ओरिएंटेड डिफरेंट है. ओके, जीएस में भी पॉलिटी का अलग मिलेगा, इकोनॉमिक्स का अलग मिलेगा. दैट इज़ हाउ वी हैव बाइफोकेटेड इट फॉर यू. आपको ये बहुत हेल्प करेगा. आप देखिए एग्जाम्स के अलग अलग है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के है या JKPSI के है, या आजकल जो मैं सीरीज़ का ले रही हूँ वो री एग्ज़ाम जो हुआ था उसके रिलेटेड है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, लेट्स स्टार्ट. विच इज़ द ओल्डेस्ट एक्ट अमंग द फॉलोइंग. सी, अब इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म दिया है, वी शुड बी नोइंग द शॉर्ट फॉर्म. FEMA, फेमा, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेन एक्सचेंज को आप ऐसे याद रखिए, REI, एक्सचेंज. ओके, फेरा, फेरा हो गया आपके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. IDA हो गया आपका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया. और UGC ऑफ कोर्स आपको पता चले, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. इसमें से आपको बताना है ओल्डेस्ट कौन सा है. ओके, ओल्डेस्ट लाइक अस कीप ऑन सेइंग, हमारे लाइव कमेंट सेक्शन में खुले हैं, इसको ऑन करिए एंड साथ साथ अपने आंसर्स लिखते रहिए. द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी IDA, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का बना है. जो आपका UGC है नेक्स्ट, ये 1956 का है. और जो फेरा है आपका FERA का है, ये 1973 का है. एंड फेमा इज 1999. ओके, ये थोड़ा कलरफुल बन गया इधर उधर एरो से, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपका उसमें ओल्डेस्ट क्या है, इट इज़ योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. नेक्स्ट, इन विच ईयर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 एंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 वेयर मर्ज्ड, जोड़ देना एक साथ, इन टू अ सिंगल एक्ट. अब इन सबको अलग अलग जो ये थे एक साथ जोड़ देना, किस ईयर में हुआ था. 2001, 2002, 2003, 2004. द करेक्ट आंसर इज योर 2003. ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जिसको हम मेन, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ऑफ 2003, ये तब बना था. एंड ऑफकोर्स जो लॉज रिलेटेड टू आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, इट डील्स विद दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द FDI पॉलिसी अलाउज कितना FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़. ओके, FDI के रिलेटेड भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बट ई कॉमर्स का अलग है, अलग परसेंटेज कितना, 25%, 50%, 75% एंड 100%. ई कॉमर्स के रिलेटेड द करेक्ट आंसर इज डी, 100%. ऑनलाइन रिटेल जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज है, ये अंडर द मार्केट प्लेस मॉडल आता है ऑटोमेटिक रूट से, सो इसको 100% रखा गया है. नेक्स्ट,
ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडमिक विच वन ऑफ दीज बैंक्स इंट्रोड्यूस एन एमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर इट्स बोरोअर्स. ओके, सो दैट मीन्स आपका ये 2021 ओरिएंटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे. अब कौन से बैंक ने एमरजेंसी क्रेडिट लाइन, क्रेडिट मीन्स योर मनी ओनली, एमरजेंसी क्रेडिट फॉर बोरोअर्स का, ICICI बैंक, SBI, HDFC, PNB, बताइए कौन है वो बैंक. द करेक्ट इज SBI. जी हाँ, हमारा प्यारा SBI, जिसपे अनफॉर्चुनेटली जोक्स बनते हैं, बट मुश्किल में बहुत काम आया, मुसीबत में बहुत काम आया. सो दैट मीन्स एमरजेंसी क्रेडिट लाइन कब दिया जाता है, जब मनी लोन दिया जाता है टू सम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या बोरोवर्स को. ये 12 मंथ डिमांड लोन दिया गया था, और ये SBI ने इमिजिएटली जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ था मार्च में, तो अप्रैल मई के ऑनवर्ड्स ये दिया था, स्टार्ट किया था. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन. इट इज लॉन्च टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. द बेनिफिशरीज आर ओनली कंपनीज ओन्ड बाय SC एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स भी बोल सकते हैं या एंटरप्रेन्योर्स भी बोल सकते हैं. SC हेयर मीन्स शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं. अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन, आप यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं. अब इसका क्या आंसर हो सकता है, कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है या दो या बोथ करेक्ट है या नन ऑफ दीज आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर हेयर इज, बताइए क्या हो सकता है, सी. यस, सी करेक्ट है. सो टारगेट था कि 1000 जो शेड्यूल कास्ट यूथ है दे विल बी आइडेंटिफाइड. ऑफकोर्स टारगेट उसमें भी टैलेंट में दिया गया, जिनके पास स्टार्टअप आइडियाज, आई रिपीट, स्टार्टअप आइडियाज हो. कहाँ से दे विल टारगेटिंग, जहाँ पे सपोज दे आर इन सम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से उनको यू नो अपॉइंट किया जाएगा, या टारगेट वहीं से बच्चों को किया जाएगा. और दे विल बी फंडेड 30 लाख इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. ओके, सो ये तब का बना गया है, और ये 2020 में लॉन्च हुआ था. इट्स अ वेरी गुड इनोवेशन, वेरी गुड मिशन, एंड आई होप जो जेन्यून इसमें लोग हैं दे बेनिफिट अ लॉट. सो इट विल हेल्प, ये जो SC के ओरिएंटेड हम जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इट विल हेल्प इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो. द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, आपने इसका, इसके रिलेटेड भी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल आया गया है, वॉज इन द न्यूज़ प्रोवाइडिंग हाउ मच फॉर रीफाइनेंस स्कीम्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच विल प्रोवाइड बेनिफिशरीज टू इतने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, अब आपको दैट मीन्स अमाउंट की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट बात कर रहे हैं कि कितना पैसा दिया गया था. 50,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ या डी 10,000 करोड़. द करेक्ट आंसर इज 5,000 करोड़. ओके, सो ये वो अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें दे वे टारगेटिंग ओवर 23 लाख हेक्टर्स ऑफ रेन फेड जो एरियाज है, प्लस ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इसमें मेन फोकस था. फ्रॉम जो 2021 to 2023, लाइक ऐसे आपके ये वाले जो क्वेश्चंस है काफ़ी कोविड टाइम पे जो शुरू हुआ था काम, उसके रिलेटेड है. उस टाइम पे आप याद करिए, बहुत रिवर्स माइग्रेशन की हम एक बात कर रहे थे. दैट मीन्स जो माइग्रेंट्स थे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या बिग सिटीज़ में जो थे, वो वापस अपने घर जा रहे थे. तो दैट इज़ व्हाई इट वॉज कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन. सो उनको मद्देनजर रखते हुए टू हेल्प रिवर्स माइग्रेंट्स फॉर देयर न्यू ऑक्यूपेशनल जॉब्स, उसको टारगेट रखते हुए ये स्टार्ट किया गया था. ओके, सो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम PACS कहते हैं, ओके, उसका भी ये रोल था टू प्रोवाइड क्रेडिट सर्विसेज टू फार्मर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच RBI परचेजेज और रेट डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, बैंक रेट या रिवर्स रेपो. ओके, इसका आंसर है, बताइए, एक्चुअली इसका आंसर है बैंक रेट. बैंक रेट और रेपो रेट में बेसिक डिफरेंस पता होना ज़रूरी है. जो लेंडिंग रेट की हम बात करते हैं, जो रेपो रेट में RBI जो लेंड करती है कमर्शियल बैंक्स, उसमें एक सिक्योरिटी पहले बाय करती है. बैंक रेट में नहीं होता है, बैंक रेट में लेंडिंग करती है कमर्शियल बैंक्स को विदाउट सिक्योरिटीज. बैंक रेट ऑफकोर्स आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है,
रेपो रेट आपका शॉर्टर पीरियड ऑफ टारगेट के चलता रहता है. आप न्यूज़ देखते रहते हो, उसमें रेपो रेट की आती रहती है, कुछ महीने में न्यूज़ चेंज हो गई. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कमिटीज इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. काफ़ी सालों से, जब से आप नोट करिए, ये जनधन अकाउंट्स आए हैं या जितने भी ये डायरेक्ट DBT ट्रांसफर्स भी रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत फोकस किया जाता है इस वर्ड पे बाय सरकार या बाय इकोनॉमिस्ट या बाय जो भी हम आई थिंक प्रिपेयर भी जब हम कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वी यूज़ दिस वर्ड अ लॉट. अब ये किसके रिलेटेड है, कौन सी कमेटी? वकुल कमेटी, घोष कमेटी, नरसिम्हा कमेटी या सी रंगराजन कमेटी? द करेक्ट आंसर इज डी, सी रंगराजन कमेटी 2006 का. ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप बात करें क्या रहता है, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज आई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो दो एग्जांपल्स दिए, या टाइमली एडिक्वेट क्रेडिट नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स. ऑफ कोर्स टारगेट इसमें वही लोग हैं जिनको रोज़ नहीं मिल पाता. अब मेरे जैसे आपके जैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए टारगेट कर रहे हैं जिनका रोज़ का कमाने में प्रॉब्लम होती थी, दैट मीन्स वीकर सेक्शन के लिए भी. सो द कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2006. लास्ट क्वेश्चन, अ वेब पोर्टल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइंस वॉज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री? आपको आइडिया आ जाना चाहिए इसका क्या होगा. मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ माइन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, आप शायद एक या दो से कन्फ्यूज हो जाए, बट द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, ये एक वेब पोर्टल निकाला था. इसका एम क्या था? टू इवेलुएट माइंस बेस्ड ऑन 7 फैक्टर्स. अब 7 तो मैं यहाँ लिख नहीं सकती, पर आप सुन लीजिए आराम से. पहला था माइनिंग ऑपरेशन के रिलेटेड, सेकेंड एनवायरमेंट रिलेटेड पैरामीटर्स, थर्ड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, फोर्थ बेस्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस, फिफ्थ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. देखिए सारे कनेक्टेड कैसे आ रहे हैं. 6 रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, 7 वर्कर रिलेटेड कंप्लाइंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ऑफ कोर्स हम कोल उन एरियाज में बात करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. ओके, दीज आर द 7 इसके जो पैरामीटर्स या फैक्टर्स थे. ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं. अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं, बट जो ये सीरीज चल रही है PYQs के रिलेटेड, एज आई कीप ऑन सेइंग PYQs इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी विल कंटिन्यू विद मोर. और अगर कल को कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग एग्जाम्स, डोंट वरी, आर चैनल विल बी द फर्स्ट वन टू अपलोड इट और आपके साथ शेयर करेंगे. सो लाइक आई सेड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. थैंक यू सो मच.